अगर आप किसी कारण से अपनी केदारनाथ धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, केदारनाथ धाम के लिए हवाई यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब से टिकट रद्द कराने वाले किसी भी श्रद्धालु को टिकट कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड मिलेगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने चार धाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट रद्द करने और किराया वापस करने की नीति तैयार कर ली है। खराब मौसम, तकनीकी कारण या सरकार के आदेश पर हेली सेवा की उड़ान रद्द होती है तो यात्रियों को पूरा किराया वापस दिया जाएगा। इसके अलावा 5 दिन पहले टिकट बुकिंग रद्द करने पर किराए की 75% राशि यात्री को वापस लौटाई जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 24 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जाएगी। केदारनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल कराने पर रिटर्न तो आपको जरूर मिलेगा, मगर इसके लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। युगाडा के CEO सी रविशंकर ने बताया कि नीति के अनुसार यदि कोई यात्री हेली सेवा के स्टॉल टाइम से 1 घंटे पहले हेलीपैड पर नहीं पहुंचता है तो माना जाएगा कि यात्री नहीं पहुंचा है। ऐसे में यात्री को किराया वापस नहीं होगा। इसके अलावा 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी रिफंड नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि तय समय से 24 घंटे से 48 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 25% किराया वापस होगा। इसके अलावा 48 घंटे से 5 दिनों के बीच में टिकट रद्द करने पर 50% किराया वापस होगा और 5 दिन से पहले टिकट रद्द करने पर 75% किराया वापस किया जाएगा। हेली सेवा रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को पूरा किराया वापस दिया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को बोर्डिंग पास हेलीपैड पर कंपनी के काउंटर पर जमा करना होगा। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी 2023 से चल रहा है और धाम के कपाट 25 अप्रैल प्रातः 6:20 पर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ होगी और बहुत सारे श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से धाम की यात्रा करेंगे। पहले हवाई टिकट कैंसिल पर रिफंड नहीं मिलता था, मगर अब नई पॉलिसी लोगों के आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखकर बनाई गई है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान तीर्थयात्री गांधी सरोवर, चंद्रशिला, वासुकी ताल, गौरीकुंड, शंकराचार्य समाधि, सोनप्रयाग, चोपता, उखीमठ, पंचकेदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, देवियार ताल आदि के दर्शन करते हैं। NBT टीम ऑनलाइन की रिपोर्ट।